हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लुकीज सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग हियर द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द टॉपिक ग्रेविटेशन। आज हम यहां पे हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको मैं समराइज करता हूं। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है द प्रोसेस ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है? फोर्स होता है। एसेंशियली फोर्स को ही ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। देन मैंने कहा कि अगर ग्रेविटेशन आप अर्थ के लिए डिफाइन करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम क्या हो जाता है? ग्रेविटी। क्या नाम हो जाएगा? ग्रेविटी। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो होता है उसको अपन ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम आज बात करते हैं वेट की। ओके, व्हाट इज वेट? तो वेट क्या होता है? वेट जो होता है वो फोर्स होता है। वेट क्या होता है? फोर्स होता है। और वेट की भी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन हुआ करती है वेट की एसआई यूनिट। अब आप समझिए कि वेट क्या होता है, है ना। अगर आप किसी भी प्लैनेट के ऊपर खड़े हुए हैं, अगर आप किसी भी प्लैनेट के ऊपर हैं तो आपका जो प्लैनेट होगा एक फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स से आपको अपनी सेंटर की तरफ खींचता है। ओके, जैसे कि आप यदि अर्थ की बात करें तो अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ विद एक्सेलरेशन जी खींचती है। ओके, तो यदि आप ये बॉडी है और आपका मास एम है तो आप पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? जी काम कर रहा है। तो ये आपका जो फोर्स कहलाता है इसी को हम बोलते हैं वेट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? हम वेट फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। सो अगर आप जो है इसी को वेट फोर्स डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वेट फोर्स रिएक्शन जीरो हो जाए। एक्चुअली जब आप मेज़र करते हैं किसी चीज़ को तो रिएक्शन से मेज़र करते हैं। आपको याद होगा मैंने न्यूटन्स के एक्सपेरिमेंट में आपको पढ़ाया था लिफ्ट वाला मोशन, याद है? तो आप जो वेट अपना मेज़र करते थे वो किससे मेज़र करते थे? रिएक्शन से। किससे मेज़र करते थे? रिएक्शन से, याद है आपको? अगर ये मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे यदि रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए, रिएक्शन फोर्स क्या हो जाए? जीरो, यानी कि आपका जो वेट है वो जीरो हो जाए तो इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं इसको? वेटलेसनेस। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वेटलेसनेस? तो यदि आपका वेट जीरो हो जाए तो इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। तो एक तो क्वेश्चन है कि वेटलेसनेस क्या होता है, दूसरा कि अगर आप ग्रेविटी के अलोन अगर केवल फॉल कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। एक टर्म और फिजिक्स में यूज होता है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई सरफेस नहीं है, आपको आसमान की कुछ ऊंचाई से एक लिमिटेड एक अर्थ है उसके ऊपर करीब 300 किलोमीटर के आसपास यदि बीच में आपको छोड़ दिया जाए, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना वो जी होता है, वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, इसके ऊपर की हाइट में चेंज होने लगता है। तो यदि आप कोई, और अब 300 किलोमीटर ऊपर कौन गिरता है भाई? आदमी इंसान गिरता है तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बोले ये सोनो इससे ज़्यादा ऊपर से कहाँ कुछ ऐसा होता है। सो यदि यहाँ से आपकी फॉल करते हो आप, ओके, तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ केवल आप पर एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो ये मैंने आपको बताया फ्री फॉल, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आने वाला है, उस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जिसको कल हमने पढ़ा क्लास में, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट हुई थी। अगर आप लोगों ने बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको पता चला होगा कि न्यूटन ने जो लॉ निकाला एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये विद द हेल्प ऑफ मून निकाला। उसने क्या किया न्यूटन ने? न्यूटन ने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसका कंपेयर किया? मून का, है ना। मून का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकाला और जो कि आया था आई थिंक 2.12, हाउ मच इट इज, यस 2.72, ये था 2.72 इंटू 10^-3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज निकाली थी, किसने निकाली थी? न्यूटन ने निकाली थी सेंट्रिपिटल, और उसको रेडियस ऑफ द अर्थ पता थी। और इसको कैलकुलेट करने के बाद एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुई थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं ये कहूँगा कि न्यूटन ने पता लगाया था कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर ये पता था कि
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अगर मास m1 भी रोल प्ले करेगा तो मास m2 भी उतना ही रोल प्ले करेगा. इसलिए इसने दोनों का प्रोडक्ट ले लिया और फाइनली आपका लॉ बन के तैयार हो गया, F is equals to g m1 m2 upon आर स्क्वायर. एक थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है कि आर स्क्वायर कहाँ से आया, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, हम ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे. इसके बाद न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ का मैंने आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ा दिया था ना. कैंडविश का एक्सपेरिमेंट आप लोग को पढ़ना नहीं है. अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना. तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस हम पढ़ते हैं, वेक्टर लॉ हमने पढ़ा दिया था. और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, आइए देखते हैं. तो बच्चों कॉपी में हेडिंग बनाइए, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स. ओके, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. मैं किस फोर्सेस की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, एफ जी की मैं बात कर रहा हूँ. तो ये क्या कहता है, देखिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इसका नाम एन ले लो. ओके, इसका नाम क्या है, एन. और इसके सराउंडिंग में कुछ पॉइंट बैठा है, ये पॉइंट क्या मास है ये, तो ये मास है ना, एन मास है इसका नंबर. इसके बाजू में ये एक वन बैठा हुआ है, इसके बाजू में टू बैठा हुआ है, इसके बाजू में थ्री बैठा हुआ है, उसके बाजू में फोर बैठा हुआ है, इसके बाजू में ऐसे ऐसे करते करते सारे मास बैठे हुए हैं. तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये इसको क्या करेगा जी, अट्रैक्ट करेगा. तो फोर्स का नाम बनेगा फोर्स ऑन एन बिकॉज ऑफ वन. ये दूसरा बॉडी भी इंडिपेंडेंटली इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन एन बिकॉज ऑफ टू. ये ऐसे ही इसको ये अट्रैक्ट करेगा, दिस इज फोर्स ऑन एन बिकॉज ऑफ थ्री. ऐसे ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन एन बिकॉज ऑफ फोर. एन लाइकवाइज ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन एन बिकॉज ऑफ फाइव ले लो, कुछ भी लो. ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो नेट फोर्स आएगा एफ एन, एफ एन इज विल बी अ वेक्टर सम, बिकॉज ये फोर्सेस सारे के सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं. तो फोर्स एन इज इक्वल्स टू एफ एन वन प्लस एफ एन टू प्लस एफ एन थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी फोर्सेस हैं आप इनका सबका इंडिविजुअल सम करते जाइए. सो फाइनली यू कैन राइट एफ एन वैक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा, ओके सिग्मा एफ एन आई. एन आई मतलब आई की वैल्यू चेंज हो रही है वन से लेके जहाँ तक आप चेंज करोगे वहाँ तक. आई मतलब कि जो चेंजिंग पॉइंट है, चेंजिंग मास रखे हुए हैं यहाँ पे, सब क्या है मास रखे हुए हैं ना, आप इनकी वैल्यू रख सकते हो जो भी है बाद में. तो वो अब इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना. आप जैसे मैं यदि बोलूँ फोर्स एन वन की वैल्यू मैं डालना चाहूँ, तो देखिए यदि इसका मास एम एन है तो एफ एन वन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ. एन वन इज इक्वल्स टू जी एम वन और एम एन, जी एम वन एम एन अपॉन आर का स्क्वायर. आर यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको यूजुअली आर वन एन लिख लो, क्योंकि सबकी डिस्टेंस अलग अलग आ सकती है. तो इसकी आर वन एन दे दो, इसकी आर वन एन टू एन दे दो, वट एवर जो भी आपको लेना हो आप ले लें. ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में ना. अब अगली बात हम करते हैं, ये इस पर न्यूमेरिकल आते हैं. इस पर न्यूमेरिकल आप लोगों ने किए भी होंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है कर लीजिएगा. स्पेशली एक ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन आता है वो जरूर कर लीजिएगा. अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ शेल थ्योरम क्या होती है. देखिए शेल थ्योरम, एच एच ई डबल एल थ्योरम, शेल थ्योरम. शेल थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई रिंग मास है या कोई शेल है, इसको शेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, शेल बोलते हैं. तो यहाँ शेल की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है. तो इससे आउटसाइड डिस्टेंस में आर रेडियस पे, मतलब आर दूरी पर, जिस आई कैन से आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन आर, मतलब इसके इंटरनल रेडियस से ये बड़ा है ना. आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर. तो आपको जो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फोर्स मिलेगा, फोर्स ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम. ये मान लो इसका मास कितना है, कैपिटल एम. और ये जो पॉइंट रखा हुआ है इसका मास कितना है, स्मॉल एम. जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर. आर का स्क्वायर क्यों, मतलब क्या फील हो रहा है कि ये जो होता है, ये जो शेल होती है, ये जो
शेल होती है किसके तरह बिहेव करती है, एक पॉइंट मास के जैसे, कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आप इस शेल की जगह हटा करके कैपिटल पॉइंट मास एम ले लें और आर डिस्टेंस पर स्मॉल एम ले रहे हैं, तो इसका भी अमाउंट कितना आएगा, फोर्स का इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये जो शेल है ये किसके जैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट मास के जैसे, ठीक है ना। तो शेल थ्योरम का पहला रिजल्ट ये है, ये काम में आएगा आपको जब मैं भी आपको रिजल्ट निकलवाऊंगा किस चीज के, आपके ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब निकलवाऊंगा अलग अलग डिस्टेंसेस पर, तब आपको समझ में आएगा। दूसरा देखिए, अगर आपके पास में ये शेल है आर रेडियस का और पॉइंट भी मास आपका यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके पास फॉर्मूला था एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, बट इस केस में स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के हो गया ना, रेडियस के इक्वल आ गया। सो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपको समझनी है कि अगर कोई पॉइंट ये शेल था, यदि ये शेल था और शेल के अंदर यदि कोई पॉइंट, एक खोखला शेल है, हॉलो, मतलब ये जो पूरा का पूरा मास है ये ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, और यदि कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। ये आपको याद रखना है, समझ गए ना, ठीक है ना। इसको आप शील्डिंग बोल सकते हैं एक तरीके की, कि अगर कोई पॉइंट अंदर हो, कोई मास अंदर हो, कोई मास अंदर हो, तो उस और उसके ऊपर लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है इस शेल के कारण, एक्चुअली मैं यहाँ पे दो मास नहीं बनाऊंगा, मुझे एक मास बनाना चाहिए, मान लीजिए ये पॉइंट मास है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि ये पूरी शेल का मास जो है एज अ पॉइंट मास एक्ट कर रहा था, कि नहीं कर रहा था, याद है आप लोग को, और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि मानो कहाँ पे रखा हुआ हो, सेंटर पे, कहाँ पे रखा हुआ हो, सेंटर पे, तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस यहाँ से आर ले रहे थे। बट अब यदि ये पॉइंट अंदर है, ये पॉइंट अंदर है, तो आप कोई इस पर लगने वाला फोर्स नहीं है, कोई इस पे लगने वाला फोर्स नहीं है, तो ड्यू टू द सिमेट्री इस पर नेट फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, कितना हो जाता है, जीरो। अब आप कहो कि कैसे जीरो हो जाता है, थोड़ा सा देख लो, चलो समझ लो, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ओके, बाहर कोई मास नहीं है, अंदर ये है ना, ये देखिए ये एक मास बैठा हुआ है, मुझे इस पर फोर्स लगाना है, तो जरा इसको सोचो, ये तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, पक्का इसका कोई ना कोई साथी यहाँ भगवान ने पैदा कर रखा होगा, हाँ है ना, जो इसको अपनी तरफ बुलाएगा, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, भाई सिमेट्री है ना, स्फेरिकल सिमेट्री है, हाँ है ना, अगर एक यहाँ बैठा हुआ है तो एक यहाँ भी तो बैठा हुआ है, उसको निपटाने वाला बैठा कि नहीं बैठा है, तो ये इसको यहाँ बुलाएगा, ये फोर्स इसको यहाँ बुलाएगा, दोनों फोर्स एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल, तो भैया कुल मिला के नेट फोर्स कितना बन जाएगा, जीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, इसलिए शेल के अंदर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे ही बात समझ में ना, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल शील्डिंग, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल, बट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि बाहर इतने एनवायरमेंट में बड़े बड़े मास हैं कि वो एक तरफा फोर्स लगाते हैं, समझ गए ना, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस इस पर पड़ता है, ठीक है ना। बट मैं आपको क्लास ट्वेल्थ में बताऊंगा, एक शील्डिंग होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये बहुत काम की चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहती है कि अगर आप एक कार के अंदर बैठे हुए हैं, एक्चुअली कहती कुछ और है बट मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, अगर आप एक कार के अंदर बैठे हुए हैं और आपके ऊपर शानदार बिजली गिर जाए, हाँ है ना, और आप किसके अंदर बैठे हुए हैं, कार के अंदर, आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाहर की बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कंडक्टर होता है कार, क्या होती है, हॉलो कंडक्टर, क्या होती है, हॉलो कंडक्टर, होती कि नहीं होती कार, तो कार के अंदर हॉलो कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। याद रखिएगा कि E इज इक्वल्स टू जीरो, E इज इक्वल्स टू जीरो, समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो हुआ करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो हुआ करता है, ठीक है ना। चलिए, तो मगर याद रखिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब एक, अगर आपके पास एक कंडक्टिंग शेल है, एक खोखला कंडक्टर है, और अगर आप उसके अंदर कोई चार्ज बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, तो वहां पर मास था, यहां पर चार्ज है, तो चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। बट यहां पे मास है, यहां पे क्या है,
मास है, तो इस शेल की वजह से तो जीरो होगा, बट आउटसाइड क्लाइमेट में सूरज चांद सितारे जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको क्या करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे इस पर, है ना। तो सवाल उठता है मन में कि क्या ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल है, आंसर है नो, ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। चलिए तो ये सारा का सारा पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इस पर आप क्वेश्चन करिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट इसके आगे एक बात और है, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। ये तो देखा आपने कि यदि मान लीजिए आपके पास में ये हिस्सा है जिसमें इतना ये भरा हुआ हिस्सा है, ये भरा हुआ हिस्सा है, ओके, ये अभी आपने खोखला देखा था और आपने ये क्या देख लिया है, भरा हुआ हिस्सा देख लिया है, ठीक है ना, इतना भरा हुआ है। आपको इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, ये मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये देखिए इस पॉइंट पर दिख गया, इस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो मालूम आप क्या करेंगे, तो आप इसको कंटेन करती हुई अर्थ बनाएंगे, क्यों, क्योंकि बाहर के बॉडी का कोई असर नहीं पड़ेगा, जो असर पड़ेगा अंदर का करेगा। अब आप यहां से लेकर के यदि इस पॉइंट पे है तो अब आप इस पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे, समझ रहे हैं आप। तो आप यहां से जिस पॉइंट पर आपका वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लो ये गोला था, भरा हुआ गोला था, मैं बार बार बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये भरा हुआ गोला था, इसके आपको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है ना, ये पॉइंट मास बैठा हुआ है, इस पर फोर्स निकालना है। तो इससे होकर के जाती हुई पूरी की पूरी अर्थ ले लो, क्या ले लो, पूरी की पूरी अर्थ ले लो, मतलब बाहर से मतलब नहीं है, इसके अंदर से मतलब है। और अब ये जो इधर का मास बनेगा, सपोज दिस मास इज कैपिटल एम, ये जो अर्थ बनी है इसका मास मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एम, और ये मास क्या है, स्मॉल एम, समझ में आ रहा है। अब आप इसका फोर्स रियली निकाल पाएंगे कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है ना, इस पर फोर्स कितना लगेगा अब आप निकाल पाएंगे। तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा, इसका जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका जो फोर्स निकलता है वो निकलता है कैपिटल एफ इक्वल टू जी, ठीक है ना, हाँ, जी मास ऑफ स्मॉल एम एम आर इंटू जी एम एम, एक मिनट, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर का क्यूब इंटू आर, ये नोट कर लें आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको प्रूफ कराऊंगा बट फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लें, ये फोर्स निकलेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है ना, अपॉन इस इंटू आर अपॉन आर क्यूब, इंटू आर अपॉन आर क्यूब, मतलब अंदर के लिए जो फोर्स होता है, अंदर के लिए जो फोर्स होता है, अंदर तक के लिए, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर के, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर आप बाहर पहुंच जाते हैं तो फोर्स क्या होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ठीक है ना, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये कैसे आया, ठीक है ना, ये आर क्यूब किस तरीके से आ जाता है, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए आपके पास में ये एक कंप्लीट गोला है, कंप्लीट गोला है, उसकी ये कंप्लीट गोला है आपके पास में, ओके, इसका मास है कैपिटल एम, कितना मास है इसका, कैपिटल एम, ये कंप्लीट गोला है, इसका मास है कैपिटल एम, और डेंसिटी हम मान के चलते हैं कि फॉर मतलब एवरीवेयर डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी रो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रो। देन आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, होता कि नहीं होता, ये तो फॉर्मूला होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बड़े वाले गोले का मास इक्वल टू डेंसिटी है रो और रेडियस 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, 4/3 का पाई कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है ना। अब ये आप इसके अंदर छोटा वाला
गोला ले लीजिए। यहाँ पर रेडियस पहले वाले की कितनी थी, आर थी, छोटे वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, कितनी है रेडियस। तो छोटे वाले गोले का मास यदि आप स्मॉल एम मान रहे हैं, छोटे वाले गोले का यदि आप मास स्मॉल एम मान रहे हैं, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम वी डैश मान लीजिए, क्या मान लीजिए आपने, वॉल्यूम वी डैश, तो एम अपॉन स्मॉल एम इक्वल्स टू रो, ठीक है जी, इंटू, ठीक है ना, इंटू कितना वी डैश, 4/3, क्लियर है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर का क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों के मास अब कहलाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों के मास अब कहलाएंगे। अब यदि आप इसका अब निकालना चाहते हैं कि यदि इस अंदर वाले के वजह से, इस अंदर वाले की वजह से यहां पर यदि स्मॉल m का मास रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, अंदर वाला गोला क्या है, स्मॉल m है, सॉरी अंदर वाला गोले का मास, इसको मैं कुछ अलग मानना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल m तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे मान रहा हूं, तो इसको m डैश मान लीजिए आप, वट एवर एम डैश मान लीजिए। देखिए तो मैं फोर्स निकालता हूँ, तो फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी, ठीक है। देखिए अंदर वाले गोले, बाहर वाले से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंदर वाले गोले का मास क्या है, एम डैश, क्या नाम है इसका, एम डैश, क्लियर है ना, अंदर वाले गोले का बाहर इसका नाम क्या है, एम डैश, और हाँ जी एम डैश इंटू कितना, स्मॉल छोटा सा मास कितना है, एम अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर का स्क्वायर, बोलिए क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना, स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो आप कुछ होने वाला है यहां पे, तो एफ इक्वल टू जी एम डैश इंटू स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। यदि मैं कैपिटल आर की एंट्री कराना चाहता हूं तो मैं कैसे करा सकता हूं कैपिटल आर की एंट्री, जी एम डैश एम अपॉन आर स्क्वायर। यदि मैं कैपिटल आर की एंट्री कराना चाहता हूं तो मेरे पास क्या तरीका हो सकता है, हाँ एक तरीका है, देखिए कैसे, यहां से आ जाइए आप, इधर से इन दोनों रिलेशन से अगर मैं एम और एम डैश में डिवाइड कर दूं या एम डैश अपॉन एम कर दूं, तो देखिएगा जरा आप, एम डैश अपॉन कैपिटल एम, एम डैश ये है रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, और एम कितना है, रो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, रो 4/3 से रो 4/3 क्या हो गया कैंसिल, पाई से पाई भी क्या हो गया कैंसिल हो गया है, तो एम डैश अपॉन एम डैश अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है ना, एम डैश अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब यदि आपको किसको रिप्लेस करना है, एम डैश को, किसको रिप्लेस करना है, एम डैश को, तो यहां से एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम डैश इक्वल्स टू एम टाइम्स स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, हुआ कि नहीं हुआ। सो एफ इक्वल टू जी, एम डैश की वैल्यू हम रिप्लेस करने वाले हैं बड़ा वाला एम मतलब टोटल मास स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू छोटा वाला मास, ठीक है बच्चों, और नीचे में क्या रहेगा, आर का स्क्वायर, तो एक आर से एक आर क्या, दो आर क्या हो गए कैंसिल, तो बन के आ चुका हमारा रिलेशन जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ऊपर कितना बन चुका है आर, और नीचे क्या बन चुका है, आर का क्यूब। अब देखो क्या रिलेशन की खूबसूरती है भाई, टोटल मास इसका था एम, पूरी बॉडी का बड़ा एम, बोलो है ना, उसके अंदर जो छोटी सी अर्थ हमने सिलेक्ट करी थी उसका मास क्या था, एम डैश, मगर एम डैश पूरे डेरिवेशन में नहीं है, है कि नहीं है बोलो, और इसके अंदर जो छोटा सा पार्टिकल मैंने लिया था उसका नाम क्या था, एम, है ना। और देखो तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर, आ गया समझ में ना, एफ प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब इनर बॉडी के लिए जब तक अंदर हैं आप तो क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये रिलेशन जो आपके पास बुक में लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग, तो जी एम कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इन टू आर, अंदर अगर मास रखा हुआ है तो ये निकलेगा फोर्स, ठीक है आ गया समझ में ना। तो एक बार इसको आप लोग घर पे जरूर करिएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गई। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अर्थ जो होती है, हर प्लैनेट को, अर्थ ही नहीं दुनिया के सारे प्लैनेट बॉडी को उसके अंदर सेंटर की तरफ फोर्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं, ये फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, आप यू नो एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना, फोर्स अपॉन मास, है ना, क्लियर कि नॉट क्लियर। और अगर आप एक्सेलरेशन जीरो कह रहे हैं तो इसका मतलब भाई पक्की बात है कि फोर्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता, और ना मास पॉजिटिव नेगेटिव है कि कैंसिल हो जाए, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब यदि यहाँ पर फोर्स है तो पक्का पक्का क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, बोलो जी यस कि नो। अगर कहीं पर फोर्स है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। और याद रखिएगा कि फोर्स जीरो है, फोर्स क्या है, तो एक्सेलरेशन जीरो। फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जीरो के दो मीनिंग है, या तो फोर्स नहीं लग रहा, या तो फोर्स नहीं लग रहा, दूसरा या तो बैलेंस्ड फोर्स लग रहा। क्या है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा। और बैलेंस्ड फोर्स में एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, जीरो। मैंने आपको बताया था ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको 5 न्यूटन से इधर भी खींचा जा रहा है और 5 न्यूटन से इधर भी खींचा जा रहा है, कैसे फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, और नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में ना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर फोर्स जीरो हुआ है तो या तो फोर्स ही नहीं लग रहा होगा, या तो बैलेंस फोर्स लग रहे होंगे, तभी तो जीरो होगा, तो उस समय में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। तो आइए हम निकालते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आपने देखा था फॉर्मूला कि फोर्स इज इक्वल्स टू किसी मास m पर, ये कोई मास स्मॉल m रखा हुआ है, और इसके सेंटर पर कोई पार्टिकल, थोड़ा मैंने दूसरा पार्ट सिस्टम बना दिया, गड़बड़ बना दिया, चलिए देखिए, ये एक बड़ा सा पार्टिकल रखा हुआ है स्मॉल कैपिटल m, और इससे छोटा सा एक पार्टिकल है स्मॉल m, इस पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये भी दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए मैं दोनों फोर्स हालांकि बराबर होते हैं, तो मैं लिखता हूं ये भी F है और ये भी क्या है, F है, यस और नो, दोनों के फोर्स सेम है, दोनों के फोर्स क्या है, सेम है, मगर एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक्सेलरेशन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। अब आप जानना चाहो क्यों होंगे एक्सेलरेशन डिफरेंट, आप जानते हो कि F इज इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब ये यहाँ देखिए फोर्स अलग अलग, फोर्स तो सेम है, फोर्स क्या है, बट मास क्या है, अलग अलग, मास क्या है, अलग अलग, ठीक है ना। देखिए जब ये फोर्स लगाएगा, ये वाला जो फोर्स है ये चांद पर लग रहा है, चांद को खींच रहा है, बोलिए है ना, तो चांद का एक्सेलरेशन, ये मान लो ये अर्थ है, ये मून है, ये अर्थ है, ये क्या है, मून है, तो चांद का मास क्या है, कम है, चांद का मास क्या है, कम है, तो मून का मास कम है, तो मून के मास कम होने से एक्सेलरेशन क्या बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, तो इस तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा, यस और नो, और इधर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम, यस कि नो, क्योंकि भैया इसका मास कम है, भाई मास कम है तो इसका खिंचाव ज्यादा हो जाएगा, जल्दी से झटका मारेगा, क्लियर कि नॉट क्लियर। भाई मैं सेम फोर्स से तुमको खींचूं और एक हाथी को खींचूं, बोलो हाँ है ना, तो झटका खाने की किसकी संभावना, आपकी कि हाथी की, है ना, फोर्स तो मैं सेम लगा रहा हूं बट आपका मास कम है तो आप पर एक्सेलरेशन ज्यादा काम करेगा, हाथी पर कम काम करेगा, यस कि नो, हाँ बोलो, आ गया समझ में ना। तो अभी और ज़्यादा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं किस बात पे था, मैं ये कह रहा था कि आपके पास मान लो भाई साहब ये बड़ा मास है, इसको अर्थ मान लो, क्या मान लो, इसको मास ऑफ अर्थ, और ये छोटा मसा मास है, इसको मून भी मान सकते हैं, छोटा सा, तो आपने जो फोर्स निकाला था वो क्या था, जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर का स्क्वायर था कि नहीं था। अब यदि आप अर्थ सरफेस की बात करो, किसकी बात करो, सरफेस की, ये देखिए ये अर्थ है और इसके सरफेस के ऊपर एक एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है, तो यहां से सेंटर से लेकर के डिस्टेंस कितनी है, आर अर्थ, क्या है, आर अर्थ, और ये होती है बच्चों लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो 3 जीरो और लाएंगे मीटर में तो ये बन जाएगा 6.4 × 10^1, 2 और 3 और 4, 6 मीटर,
समझ में आया कि नहीं आया, ये इस SI सिस्टम बन जाएगी। तो देखिए मैं निकालता हूँ कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये एक्स सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स, है ना, यहाँ पे सेंटर है किसका, अर्थ का है सेंटर, तो लगने वाला फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में ना, इसकी सारी वैल्यू जी भी पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी आप यदि दी गई है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ से कि एफ इक्वल टू मास इनटू कितना, एक्सेलरेशन। बट यहां जो एक्सेलरेशन काम करता है उसका नाम अर्थ के लिए फिक्स कर दिया, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल जी, यस और नो, अर्थ के लिए बिल्कुल फिक्स कर दिया है। सो एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम जी, क्या बन जाएगा, एम जी। तो ये रिलेशन नंबर वन और ये रिलेशन नंबर टू, हम दोनों को कंपेयर कराते हैं, दोनों को कंपेयर करा देते हैं। तो एम जी इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ, मास जो भी था, अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो गया, कैंसिल, तो जी इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये सबसे पहला फंडामेंटल रिलेशन है जी का, जी किस चीज पे डिपेंड करती है, तो मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती है। बट यदि मास ऑफ द अर्थ को आप बदलोगे तो रेडियस कांस्टेंट रखना, समझ गए ना, और रेडियस को बदलोगे तो अर्थ का मास कांस्टेंट रखना, ये तभी फॉर्मूला लगाना। ऐसा नहीं कि दोनों बदल रहे हो और ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, किसी एक को बदलना और एक को रोक देना। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है ना बेटा। तो ये हो गया, अगर मतलब तो ये हो गया। चलिए अब आप इसका एक एडवांटेज देखिए, इसका एक फायदा है, इसका एक फायदा ये है कि अगर आप ये फायदा, इसमें जो आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे अर्थ के सरफेस पर, तो इसकी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है ना। अब इससे क्या निकल कर क्या है कि जी इज प्रपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का मास बढ़ेगा तो जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर। और दूसरा, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब यदि रेडियस बढ़ेगी तो अर्थ का ग्रेविटेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और रेडियस यदि कमेगी तो अर्थ का ग्रेविटेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आ रहा समझ में भाई। तो ये चीजें आपको पता चली हैं। अब देखिए कुछ और कमाल की चीजें हैं इसमें, अर्थ के शेप्स को लेकर के थोड़ा मजेदार बात है यहां पर। हमारे अर्थ का जो एक्चुअल शेप है ना, वो अंडा का एलिप्टिकल है, कैसा बेटा, एलिप्टिकल शेप है वो। एक्चुअली है इसलिए कि आप अगर कभी देखो, अर्थ का जो शुरुआत हुई थी वो मोल्टेन स्टेट में हुई थी, अर्थ पिघली हुई अवस्था में थी और घूम रही थी, क्या कर रही थी, घूम रही थी। तो अगर आप गरम गरम चीज को जोर से घुमाते हो तो उसका मोल्टेन वाला मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण यहां शिफ्ट होता है, होता है कि नहीं होता है, बोलो यस कि नो, यस और नो, है ना। हर चीज, कोई भी गर्मा गर्म चीज आप बनाओ तो उसका जो मास होता है वो यदि घुमाओगे उसको तो किनारे की तरफ शिफ्ट होता है, ये सुनो। तो इसलिए अर्थ जो है इस तरीके से हो गई। तो ये बन गई अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन, क्या बोलते हैं इसको, अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन, और ये कहलाती है इसकी पोलर लाइन। यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, ये पोलर लाइन है। तो आप देखिए यहां जो रेडियस ऑफ द पोल है और ये रेडियस ऑफ द इक्वेटर है, तो रेडियस ऑफ द पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ द इक्वेटर, समझ रहे हैं, लगभग 21 किलोमीटर का फर्क है इन दोनों की रेडियस में, मतलब पोल की रेडियस कम है और इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है। और आपने देखा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। तो भैया इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है इसलिए इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होगी और पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन आता है भाई पोल्स हैविंग द मोर ग्रेविटी देन इक्वेटर, तो एक बात ये है। आई बात समझ में ना। दूसरी बात, एक मजेदार क्वेश्चन भी कई बार आया है कि आप इक्वेटर से एक झोला लेकर के, एक 10 किलोग्राम का मास लेकर के चले हैं और आप नॉर्थ पोल की तरफ चलते जा रहे हैं, बताइए क्या होगा, वेट बढ़ता जाएगा कि वेट कम होता जाएगा। तो वेट बढ़ता जाएगा ना भाई, आप पोल की तरफ जा रहे हो ना, तो पोल की तरफ जाने में जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और वेट कितना होता है, एम इंटू जी। तो ऑटोमेटिकली आपको वेट क्या होने लगेगा, हैवी लगने लगेगा, क्या लगने लगेगा, हैवी लगने लगेगा। आई बात समझ में ना। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चांद पर जो ग्रेविटी होती है, आपने देखा था उस दिन, चांद पर जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, दिस इज इक्वल टू जी बाई सिक्स, जी बाई
6. एक्सेलेरेशन एट मून इज इक्वल टू जी बाई 6, मतलब कि हमारे अर्थ का छठवां हिस्सा, हमारे अर्थ का छठवां हिस्सा हुआ करती है. बोलो क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं अपना. आपने क्या देखा, कैपिटल जी, सॉरी आपने देखा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द प्लैनेट, यस और नो, अपॉन आर का स्क्वायर. ठीक है ना, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है ना, जी कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आर का स्क्वायर कैपिटल रखना था मुझे, सॉरी आर का स्क्वायर, कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर. याद रखिएगा, ये मैंने सरफेस के लिए बनाया है. किसके लिए बनाया है, सरफेस के लिए. किसके लिए बनाया मैंने, सरफेस के लिए. अभी मैंने कोई खास वेरिएशन नहीं किया है, मैंने केवल सरफेस के लिए बनाया है. बोलो यस कि नो. चलिए अब देखिए, यदि आप सरफेस के लिए, यहां पर मैंने बनाया है, यदि आप यदि मास को कन्वर्ट कर दें एक फॉर्मूले से. अभी मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. अब भाई मास जो है ये अर्थ कंप्लीट हो गई समझ लो, और रेडियस कितनी है इसकी, आर. क्या है रेडियस, आर. तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई कितना, वॉल्यूम. यस और नो, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब. अब मैं यहां पे वैल्यू रखता हूं जी की, है ना, तो देखिए क्या बन जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू ऊपर क्या है, कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, और नीचे क्या है भाई साहब, आर का स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया. ठीक है ना, तो आंसर क्या गया, 4/3 पाई रो जी आर. समझ में आ गया. तो ये देखिए रेडियस के टर्म में, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में मास का नामो निशान ना हो, समझ गए ना, मास कहीं भी किसी क्वेश्चन में ना हो और केवल रेडियस बदल रही हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है. समझ गए ना, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, है ना. तो 4/3 पाई रो जी आर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एट द सरफेस, 4/3 पाई रो जी आर. ये सारे के सारे बुक में दिए हुए हैं, डोंट वरी, 4/3 पाई रो जी आर. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं. आइए देखते हैं इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है. ठीक है, इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है, आइए देखिए. अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं. ये देखिए, ये तो अभी अर्थ थी, मास ऑफ द अर्थ आपने देखा सरफेस पे निकाला, जो भी आपने किया सरफेस पे किया. मैं अर्थ को थोड़ा ऐसे बना देता हूं, अभी अभी आपने जो भी किया वो सरफेस पे किया, ये सरफेस ऑफ द अर्थ थी आर. अब ये पॉइंट मास को लेते हुए यहां चले जाइए, ठीक है ना, मतलब आप कितनी हाइट है, एच हाइट ऊपर है ये. अब ये अर्थ मैंने ऐसी रखी है, ठीक है ना, आपका इंडिया यहाँ पर है, अमेरिका कहीं पर यहीं पर होगा, तो खींचता तो अंदर की तरफ है, तो सब लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सीधे खड़े हैं. हम क्या खड़े हैं, सीधे. समझ गए ना, क्लियर हो गया ना, क्योंकि इतनी फैली हुई जमीन है कि जो टेढ़ा भी है वो भी अपने आप को सीधा ही मान रहा है. क्लियर है ना, जैसे चींटी जो होती है, चींटी को अगर आप टेढ़े उस पर रख दो तो भी अपने आप को सीधा रखेगी, क्योंकि इतना बड़ा प्लेन है कि उसको ना आगे का दिख रहा ना पीछे का दिख रहा है. बोलिए ऐसा नो भाई, टेढ़ा उसको दिखता है जिसको आगे का समझ में आया और पीछे का समझ में आया, जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसके लिए क्या टेढ़ा, वो तो अपने आप को सीधा ही समझेगा. बोलिए हाँ है ना. अब हम अर्थ के, ये एक बड़ी सी अर्थ है ना, हम अर्थ के भगवान जाने कौन से हिस्से में बैठे हुए हैं, उसका एलिवेशन कैसा. मान लो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ है ना, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे सामने की तरफ खड़े हुए हैं, सामने हमारा हिस्सा आगे की ओर निकल रहा है, फिर भी हम क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमको तान रखी है. क्लियर हो गया ना, सीखे ठीक है ना, ग्रेविटी खत्म तो ये सारे के सारे झरझरा करके पता नहीं कहाँ तैर रहे होंगे. ठीक है ना, क्लियर हो गया. तो मैं ये कह रहा था कि ये मान लीजिए स्मॉल आर है, यहाँ तक रेडियस कैपिटल आर है, ये क्या है, एच है. तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना होगा, स्मॉल आर. तो आई कैन राइट स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच. ये चीज़ आप महसूस कर लो और अपने मन में बिठा लो कि स्मॉल आर इक्वल टू कितना होता है, आर प्लस एच. ठीक है ना. अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूं, अगर बहुत लंबी दूरी रेडियस बहुत ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा कि स्मॉल जी इक्वल टू, आपने देखा था कैपिटल जी एम अपॉन क्या था, आर स्क्वायर था वहां पे, बट अब तो बढ़ गया ना, तो अब आर स्क्वायर नहीं आएगा, अब क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर. बोलिए क्या आएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर. यू कैन राइट इट जी मास ऑफ अर्थ लिख रहे हो, अगर अर्थ की, अब अर्थ का ही चलेगा यार, दूसरे प्लैनेट से हमको कोई मतलब नहीं है, अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. आई बात समझ में ना. तो ये अगर बहुत बड़ी दूरी है, ये कब लगेगा, इफ
R is if H is very 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 greater than R. जब हाइट जो है मतलब ये दूरी जो गई है आपकी ये H ये बहुत बड़ा है, ये क्या है बहुत बड़ा, समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला लगेगा. क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? तो ये फॉर्मूला आपके पास में लग जाएगा. काफी सारे फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं. अब इसके बाद आते हैं मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत सिंपल है. मास और डेंसिटी निकालना आपने देखा है, कैपिटल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर. तो बेटे यहां से आप मास ऑफ अर्थ निकालेंगे तो जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इक्वल टू क्या बचेगा, मास ऑफ अर्थ. अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, इसकी वैल्यू रख देना. तो वैल्यू रख दोगे तो अर्थ का जो मास आ जाएगा वो आता है 5.97 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, जिसको नियर अबाउट आप कह सकते हो 6 × 10⁴ किलोग्राम. आगे बात समझ में ना, कोई दिक्कत? तो ये आप इस फॉर्मूले से यूज करके मास ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं. नाउ अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द अर्थ की. तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ भी निकालना बहुत ही सिंपल है. कैसे निकालते हैं देखिए, मैं डेंसिटी का डेरिवेशन बता देता हूँ, वैसे आप लोग कर लेंगे डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ देखिए, डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है. और यू नो मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो यहां से यदि मैं लिखूं इसको, स्मॉल जी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, कैपिटल जी इंटू एम, एम को रोक लीजिए तो यहाँ पे जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी. सो एम इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी. सो हाउ मच एम की वैल्यू, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी ले लो रो और वॉल्यूम 4/3 π कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी. ये दो आर से दो आर बेटा कैंसिल कर दो, एक आर बच जाएगा, नीचे चला जाएगा, सॉरी रो इक्वल टू बेटा देखो यहाँ से दो आर कैंसिल हो चुके हैं, ऊपर कितना बचा है, जी बचा है. ओके, एक आर नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ तीन आर थे, था कि नहीं था, है ना. और क्या जाएगा नीचे, 4π जाएगा नीचे, और ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा, और क्या आएगा, कैपिटल जी भी बैठा हुआ है ये. सो आप लिख सकते हो इसको कितना, 3 g / 4π g R. इसकी वैल्यू डाल दो, आपको 3 भी पता है, जी भी पता है, 4 भी पता है, पाई भी पता है, जी भी पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है. इसकी वैल्यू डाल दो तो आपके आंसर आता है 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक. 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, ये होती है आपकी डेंसिटी ऑफ द अर्थ. बोली क्लियर हो गया. चलिए अब नेक्स्ट दो डेरिवेशन जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, उनको और कर लेते हैं, छोटे छोटे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. देखिए क्या है डेरिवेशन, आप मान लीजिए कि आप अर्थ से h हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो आपको निकालना है कि कितना ग्रेविटी में चेंज आएगा, न्यू ग्रेविटेशन. तो ये आपके पास अर्थ है, ठीक है ना, और आप पहले यहां थे, आपका m मास यहां पर था. पहला सीन था कि ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन g इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर जब आप सरफेस पे थे, ठीक है ना. ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ r, ये सेंटर है. आप यहां से h हाइट ऊपर चले गए हैं, और याद रखिएगा ये जो हाइट है अर्थ की रेडियस का 10% से कम है. कितनी, 10% से कम, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन आएगा तो आप सोचेंगे सर ये लगाऊं कि ये वाला लगाऊं. तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर, बोलिए हाँ 6400 किलोमीटर, और 6400 किलोमीटर का 10% कितने परसेंट, 10 या 5% मान लो, 5% होता है 320 किलोमीटर. मतलब आप कुछ भी नहीं है, मतलब 6400 किलोमीटर के सामने आप कुछ भी नहीं है. अगर आप 320 किलोमीटर में हैं, मतलब आप 5% ही हैं. कितने हैं, 5%, तब आप ये लगाएंगे कम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला. अदरवाइज फिर मेरा वाला वो वाला फॉर्मूला कौन सा, G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. आप बहुत दूर चले गए, समझ गए मेरी बात. हाँ, तो मैं पास वाले की बात कर रहा हूँ कि अगर आप
छत पे खड़े हैं, पैराशूट से ग्लाइड कर रहे हैं, तब क्या लगेगा? आइए, तो जी डैश नया इक्वल टू बोलो कैपिटल जी एम अपॉन क्या हो जाएगा भाई, छोटी सी हाइट बढ़ गई है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नंबर टू बोलिए सोनो, टू में वन का डिवाइड कर दीजिए, जी डैश बाई जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, बोलो ये सोनो, और डिवाइडेड बाई, तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एम, जी एम से जी एम क्या हो गया कैंसिल, तो जी डैश बाई जी इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू बेटा जी यहाँ से आर है और यहाँ से भी आर है, तो वन प्लस एच बाई आर, वन प्लस एच बाई आर हो जाएगा ना, आर से आर क्या कैंसिल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू वन प्लस एच बाई आर, नीचे से ऊपर आएगा तो पावर को क्या कर लेगा नेगेटिव, क्या कर लेगा नेगेटिव। अब मेरी पढ़ाई बाइनोमियल थ्योरम आपको याद आ रही होगी, देखो ये बहुत छोटा है कि नहीं है, एच तो बहुत ही छोटा, बोलो हाँ, ऊपर से नीचे आर मतलब छोटे पे भी छोटा हो गया, हाँ है ना, तो ये तो आपको याद होगा कि ये चीज कहाँ जाती थी अंदर, तो जी डैश इक्वल जी डैश अपॉन जी इक्वल टू वन माइनस टू एच अपॉन आर, तो भैया जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में वन माइनस टू एच अपॉन आर, आ गया समझ में, ये हो गया ग्रेविटी है ना, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन विद एल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन विद एल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ बेटा कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। तो ये बेटा जी का वेरिएशन हो गया, ये जी का वेरिएशन इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली इसमें कमी कितनी आई है, जरा ये भी देख लेते हैं कि कमी कितनी आ गई है, कभी कोई पूछ ले कि एग्जैक्टली कमी कितनी बता दो भाई, तो चलो आ जाओ देख लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अपन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए जी डैश इक्वल टू जी वन जी माइनस टू जी आर, सॉरी माइनस टू जी एच अपॉन आर, बोलो हाँ, तो ओरिजिनल में से कितना कम हुआ, इतना ही तो कम हुआ, टू जी एच अपॉन आर, तो जो कमी आई है आपसे बोला जाए कि कमी कितनी आई है, डेल्टा जी, डेल्टा जी कितना आया है, टू जी एच अपॉन आर, आया समझ में कि नहीं आया, जो कमी आई है वो कितनी आई है, टू जी एच अपॉन आर, इतने का डिफरेंस आया है, ओके, एनी प्रॉब्लम, हाँ नेक्स्ट। तो और देखिए ध्यान से, कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब कि हाइट बढ़ने पर अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, मान कम होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब अभी आप गए हैं ऊपर, अब जाएंगे नीचे, अब कहाँ जाएंगे, नीचे, तो आपको याद होगा मैंने जी की वैल्यू पढ़ाई थी, जी इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई रो जी कैपिटल आर, याद है, अगर आप सरफेस पर थे, आर रेडियस पर थे, तो आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन आया था बेटा इस पॉइंट पर कितना आया था, फोर बाई थ्री पाई रो जी आर, भूले तो नहीं हो कि ड्राइव करवा दो फिर से, याद है। चलिए तो कैसे करेंगे, अब मान लो आपके पास नया सेगमेंट क्या है, नया सेगमेंट ये है कि आपके पास अर्थ है और आप जा रहे हैं उससे डी डेप्थ नीचे, तो ये रही आपकी अर्थ और आप, ये रेडियस यहाँ पे है इसकी कैपिटल आर, क्या है इसकी रेडियस, कैपिटल आर, और आप सरफेस से खुदाई करते 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 यहाँ पर पहुँच गए और इस गहराई का नाम है डी, क्या नाम है इसका डी। अब देखिए भाई ये आपकी नई वाली अर्थ बन गई, बन गई, और मैंने शेल थ्योरम से आपको पढ़ाया था कि इसके बाहर का कोई किसी काम का नहीं है, बाहर का कोई किसी काम का नहीं है, तो पहले क्या था और बाद में क्या था, तो पहले वाला सीन मैं लिखता हूं कि पहले वाला सीन क्या था, पहले वाला सीन था कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, यस और नो, रिलेशन नंबर वन। अब नया वाला सीन क्या है, जी डैश यहां पर, तो जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी, बोलो यस, कैपिटल जी, अच्छा एक चीज यहां पे मेरे को, यहां जी इससे काम तो चलेगा नहीं भाई सब, क्योंकि क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है और मास बदल रहा है, मास बदल रहा है, तो ये वाले फॉर्मूले से हम लोग का काम चलने वाला
नहीं है, है ना। तो वन नंबर में हमको कौन सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये वाला। तो शुरुआत में g इक्वल्स टू 4/3 πρ g r, क्योंकि मास कम हो रहा ना, तो मास वाला कैसे लिख दूं, नहीं चलेगा काम। यस और नो फर्स्ट। नाउ g डैश इक्वल टू नया वाला बोलो 4/3 की जगह 4/3 πρ, डेंसिटी वही की वही बदल जाएगी, वही रो कैपिटल जी। और भैया आर बदल गया, पहले कितना था, पूरा आर था, अब डी खुदाई नीचे करके आ गए, तो अब नई रेडियस क्या बनी, आर माइनस डी, बनी कि नहीं बनी, रिलेशन नंबर सेकंड, रिलेशन नंबर सेकंड। चलिए डिवाइड कर दीजिए, जी डैश बाई जी इक्वल्स टू 4/3 πρ g ब्रैकेट में आर माइनस डी। डी क्या है बेटा, डेप्थ है, डी क्या है, डेप्थ यानी गहराई, है ना। और 4/3 πρ g और कितना, आर, 4/3 πρ g 4/3 πρ g कैंसिल, हाँ जी क्या बच गया, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन कितना, आर, आर माइनस डी अपॉन आर, क्लियर है। सो इसको तोड़ दूं मैं, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर में आर कड़े बैठ के कितना बोलो, 1 − d/r 1 − d/r। तो g डैश इक्वल्स टू g 1 − d/r, ये आ गया फॉर्मूला डेप्थ के साथ वेरिएशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डेप्थ, ड्यू टू चेंज इन डेप्थ। दोनों फॉर्मूले को देखिए, माइन्यूटली वॉच कीजिए, g डैश इक्वल टू g 1 − 2h/r 1 − 2h/r, ये किसके साथ था, हाइट के साथ, किसके साथ था, हाइट के साथ, और डेप्थ के साथ g डैश इक्वल टू g 1 − d/r d/r, मतलब ज्यादा जोर से चेंज कौन हो रहा है, ये ऊपर देखो, हाइट के साथ क्या लगा है, 2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2, और इसके साथ तो बेचारे के साथ 1 लगा हुआ है, बोलिए सुनो, यस कि नो, ठीक है ना, मतलब ज्यादा जोर से ये चेंज हो रहा है, ज्यादा जोर से ये चेंज हो रहा है, क्लियर है। मतलब ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे, ऊपर की तरफ आप जाएंगे 250 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 250 किलोमीटर, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया मान लो जी डैश, तो उतने का हिसाब बराबर के नहीं है, नीचे चलने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, देखो मतलब नीचे आप चलोगे, मतलब ऊपर में डबल का चेंज, डबल का कमी आ रही है, डबल की कमी आ रही है, समझ गया ना, ऊपर में डबल की कमी आ रही है, मतलब यदि ऊपर आप 250 किलोमीटर चले हो तो उतनी कमी लाने के लिए नीचे आपको कितना चलना पड़ेगा, 125 किलोमीटर, समझ में आ गया, ठीक है ना, मतलब ये 2 times बदल रहा है हाइट के, और ये 1 times कम हो रहा है डेप्थ के, बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर, ठीक है ना। तो ये एक नॉलेज की बात थी, कैसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, है ना। तो ये 2 फॉर्मूले मेन आपके हो गए, किसके साथ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ एंड विद हाइट, ओके। सो ये पक्के आने हैं। अब इसके बाद बेटा एक डेरिवेशन कल हम करेंगे जिसका नाम है रोटेशन के साथ, किसके साथ, रोटेशन के साथ, अगर अर्थ की स्पीड बढ़ जाए, अर्थ की स्पीड घट जाए तो क्या होगा, कैसे परिवर्तन आएंगे, ये हमको देखना है। डन, ओके, थैंक यू।